आज हम देखेंगे MSCIT MKCL ईरा लाइव का सेशन नंबर 22। सबसे पहला है नॉलेज चेक, स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच आइकन विल यू क्लिक ऑन टू क्रिएट अ वर्कशीट टू ट्रैक योर इवेंट एक्सपेंसेस यूजिंग वेरियस फार्मूलाज। फार्मूले के जरिए कहाँ से हम वर्कशीट में इवेंट्स बनाएंगे, तो सेकेंड है एक्सेल। नेक्स्ट है XPS फॉर्मेट जो है शेयर करने के लिए, तो वो इट प्रिजर्व्स द लेआउट एंड इमेजेस। विच ऑप्शन अलाउस यू टू सेव अ वर्कबुक इन XPS फॉर्मेट। XPS फॉर्मेट में कहाँ से सेव करेंगे, तो एक्सपोर्ट में यहाँ पर XPS दूसरा ऑप्शन है, तो ये थर्ड ऑप्शन ले लेंगे। नेक्स्ट है, यू वॉन्ट टू इंसर्ट एन आइसोलेटेड ट्रायंगल्स इन योर शीट, विच ग्रुप ऑफ इंसर्ट टाइप विल यू हेल्प टू डू सो। इसमें से आइसोलेसेस ट्रायंगल्स लेना है शीट में, तो हम कहाँ से ले सकते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर शेप्स के अंदर आएगा वो, तो फर्स्ट पर क्लिक कर देंगे हम। नेक्स्ट है, विच ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अलाउ यू टू चेंज द फॉन्ट ऑफ इंसर्टेड टेक्स्ट फ्रॉम एरियल टू टाइम्स न्यू रोमन। एरियल से टाइम्स न्यू रोमन कौन सा फॉन्ट कहाँ से ले सकते हैं, तो ये लास्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, योर फ्रेंड हैज इंसर्टेड अ स्टार्ट शेप इन हर शीट, इफ शी वॉन्ट्स टू रिटर्न इन टू अ सर्कल विच ऑप्शन शुड शी चूज। तो इसमें से एक फ्रेंड ने स्टार शेप ली है, उसको टर्न करना है उसको सर्कल में, तो वो कहाँ से उसको चेंज कर सकती है, तो ये अलाइन का ऑप्शन है। दूसरा एडिट शेप, वहाँ पर जाने के बाद वो चेंज शेप कर सकती है, तो सेकंड ले लेंगे। इसको आप एंड टेस्ट कर देना है, एंड एग्जाम करेंगे। ये 5 out of 5। नेक्स्ट नॉलेज चेक स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द ड्रॉप डाउन मेन्यू दैट अलाउस यू टू टर्न अ ब्लू स्टार इनटू ट्रांसपेरेंट वन। ब्लू स्टार को ट्रांसपेरेंट कहाँ से हम कर सकते हैं, एक शेप फिल का ऑप्शन है। अरे टेक्स्ट फिल, तो स्टार को करना है ट्रांसपेरेंट, तो हम लास्ट ले लेंगे शेप फिल। नेक्स्ट है, हाउ विल यू चेंज द सॉलिड बॉर्डर ऑफ शेप टू डॉटेड वन। बॉर्डर्स कहाँ से चेंज करेंगे शेप की, इसकी इमेज पहले देखेंगे, तो ये शेप आउटलाइन है फर्स्ट वन, फर्स्ट को कर देंगे। नेक्स्ट है, वन ऑफ दिस स्टेप्स हैज ऑप्शन टू अंडरलाइन द डेटा एंटर्ड इन सेल। तो अंडरलाइन कहाँ से हम कर सकते हैं, तो होम टैब के ऑप्शन में आएगा वो, तो ये सेकेंड वाला ले लेंगे हम, होम वाला। नेक्स्ट है, विच आइकन विल यू क्लिक ऑन टू स्लैंड द सेलेक्टेड टेक्स्ट इवनली टू द राइट। राइट साइड में कैसे थोड़ा सा हल्का सा स्लोप टाइप में करेंगे, तो आई से इटैलिक से वो थोड़ा सा राइट साइड में क्रॉस हो जाएगा। नेक्स्ट, यू वांट टू चेंज द विजुअल अपीयरेंस ऑफ पाई चार्ट इन योर वर्कशीट, आइडेंटिफाई द ऑप्शन फॉर डूइंग सो। विजुअल अपीयरेंस चेंज करना है यहाँ से, तो विजुअल अपीयरेंस के लिए हम सेकेंड वाला ले लेंगे, डिजाइन वाला, और इसको एंड टेस्ट कर देंगे, तो ये भी फुल 5 out of 5 हो गया। अब नेक्स्ट है लर्न 21st सेंचुरी, इसमें सेल्फ लर्निंग पाथ का कंपलसरी वाला फर्स्ट, इसको स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो पूरी ख़त्म होने देना है, इसके बाद इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट ये वीडियो भी ख़त्म होने देना है, ऑब्जेक्टिव्स की, उसके बाद नेक्स्ट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, वी कैन ओपन MS Excel विंडो बाय इनिशियली क्लिकिंग ऑन विच बटन ऑफ कंप्यूटर डेस्कटॉप। एक्सेल चालू करने सबसे पहले कहाँ क्लिक करेंगे, तो स्टार्ट। नेक्स्ट है, विच इज़ द करेक्ट वे टू सेव एन एक्सेल वर्कबुक ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम। सेव करने की सही स्टेप कौन सी है, तो क्लिक ऑन फाइल टैब, क्लिक ऑन सेव, तो फर्स्ट कर देंगे इसको। नेक्स्ट, द एलिमेंट वेयर वी इंटर टेक्स्ट इन एक्सेल वर्कबुक आर कॉल्ड। जहाँ पर हम टेक्स्ट लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, तो सेल्स। नेक्स्ट है, विच टैब कंटेन्स द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहाँ पर आती है, तो होम टैब में आएगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस ऑप्शन विल यू यूज टू मेक बोल्ड इफेक्ट। बोल्ड कहाँ से करेंगे, तो बी ले लेना है। नेक्स्ट है, इफ़ यू नीड टू एडजस्ट द रो हाइट यू नीड टू सेलेक्ट।
रोहाइड के लिए क्या करेंगे यहाँ पर से। तो फर्स्ट कंप्लीट रो क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है कैन यू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन टू मेक अनरीडेबल टेक्स्ट इन अ कॉलम मोर लेजिबल। तो इसमें से कैसे हम कर सकते हैं बेस्ट सॉल्यूशन अनरीडेबल टेक्स्ट को, कॉलम विड्थ करना होगा या विड्थ ऑफ एवरी सेल या रिड्यूस करना होगा फॉन्ट साइज। तो फर्स्ट वाला एडजस्ट द कॉलम विड्थ करना है। नेक्स्ट है हाउ कैन यू सेंट्रलाइज द टेक्स्ट शोन हियर इन सिंगल सेल अक्रॉस रोस ए बी सी एंड ई। सबको जो है तो मर्ज करना है ए बी सी और ई को, तो कौन सा करेंगे इसमें से, मर्ज और सेंटर करेंगे या फिर अलाइन करेंगे। तो फर्स्ट वाला लेना है मर्ज एंड सेंटर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाइनमेंट ऑप्शन इन एक्सेल। अलाइनमेंट का इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता, तो मिडल लेफ्ट और राइट अलाइन होता है, अप अलाइन नहीं होता। सेकेंड वाला अप अलाइन कर देना है। नेक्स्ट है वी कैन अप्लाई अ कस्टमाइज बॉर्डर कलर इन सेल्स। हम कस्टमाइज बॉर्डर कलर कर सकते हैं, तो ट्रू है। नेक्स्ट विच ऑर्डर ऑफ स्टेप्स विल यू फॉलो टू इंसर्ट अ शेप इन एक्सेल शीट। इंसर्ट शेप कहाँ से करेंगे, तो क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, गो टू इलस्ट्रेशन शेप्स, सेकेंड वाला। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन दैट इंक्लूडेड इन फॉर्मेटिंग ऑफ शेप। कौन सा एक फंक्शन नहीं है जो शेप की फॉर्मेटिंग में नहीं आता, तो मर्ज सेंटर शेप की फॉर्मेट में नहीं आता। इवन आफ्टर इंसर्टिंग टेक्स्ट इन शेप यू कैन चेंज द फॉन्ट कलर। शेप चेंज अगर इंसर्ट करते हैं हम टेक्स्ट में, तो फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, नहीं तो ट्रू कर देंगे। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन यू अप्लाई सेल शेडिंग। सेल शेडिंग के बाद में क्या होता है, तो कलर्ड वाला याद रखना है, फर्स्ट वाला वो कलर हो जाएगा सेल। यू कैन ओनली एड लिमिटेड नंबर ऑफ इमेजेस। तो फॉल्स है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ इमेजेस हम उसमें रख सकते हैं एक्सेल में। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। शीट के अंदर जहाँ पर मैन राइडिंग कर रहा है बाईसाइकिल, उसको ऑरेंज 0.5 लेना है। तो ये बाईसाइकिल जो चला रहा है उस पर जाना है। मेन्यू बार से फॉर्मेट टैब में आना है और वहाँ पर पिक्चर इफेक्ट, वहाँ से ग्लो, ग्लो में जाने के बाद ये पहला ग्लो 0.5 असेंट टू वो कलर ले लेना है और उसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद ये वीडियो ख़त्म होने देना है। उसके बाद इसको यस करेंगे हम, गो टू होम में जाएंगे और रिप्ले करेंगे, ये हो गया कंप्लीट। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जाना है, वहाँ से स्टार्ट एग्जाम कर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इन गिवन शीट, इस शीट में हमको जहाँ पर मैन राइडिंग बाईसाइकिल है वही वैसा ही क्वेश्चन है। तो फॉर्मेट में पिक्चर इफेक्ट ग्लो ऑरेंज 5 पॉइंट वाला ले लेना है और उसको सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट है इन डिस्प्लेड शीट ओपन करना है वर्कशीट। ये जो डिस्प्ले हुई है शीट, इसमें वर्कशीट ओपन करना है जिसका नाम है डे 01। तो डे 01 में आना है, सेलेक्ट करना है सेल विद द डेट 17 जुलाई। 17 जुलाई जहाँ दिख रहा है 2015, उसको सेलेक्ट करना है और नंबर फॉर्मेट उसको करना है। तो ऊपर से ये जो डेट है वहाँ से हम नंबर ले लेना है इसको नंबर फॉर्मेट में। और डेट कैटेगरी जो है उसमें से फॉर्मेट डेट का ले लेना है एंड सेलेक्ट द नंबर फॉर्मेट। नंबर ग्रुप में जो है डेट कैटेगरी टाइप ऑफ डेट फॉर्मेट ऑफ योर चॉइस, अब वहां से डेट कर देंगे उसको कोई भी एक डेट का फॉर्मेट, इस तरह से करके उसको सबमिट कर देना है। एक मरतबा फिर से उसको करना होगा। और एक मरतबा सबमिट कर देने पर वो रिकॉर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्प्ले शीट में डे 1 में आना है और फर्स्ट टेबल जो है फर्स्ट टेबल में सेलेक्ट करना है सेल एस्टिमेट और एक्चुअल अमाउंट, ये दोनों को सेलेक्ट करना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद नंबर फॉर्मेट के एरो में जाना है, वहाँ से अकाउंटिंग और वहाँ से उसको स्क्रॉल करने के बाद चाइनीज PRC ये लेकर ओके कर देना है। बाहर क्लिक करने के बाद सबमिट कर देना है।
एक मरतबा फिर से उसको करेंगे। एक मरतबा फिर से स्टार्ट करने के बाद डे 01 में जाना है। एक एक करके भी हम कर सकते हैं उसे। पहले एस्टीमेट को कर देंगे, नंबर में जाने के बाद अकाउंटिंग, चाइनीज पीसीआर और दूसरा उसको लेकर भी सेम वैसे ही कर देंगे अकाउंटिंग। अब मिनिमाइज करने के बाद सबमिट कर देंगे। इसको 2-3 बार में करने के बाद ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डिस्प्लेड शीट ओपन द वर्कशीट विद द टैब नेम डे 01 फ्रॉम द फर्स्ट टेबल सेलेक्ट सेल विद एस्टिमेट। तो सबसे पहले हमको ओपन करना है वर्कशीट जिसमें डे 01 लिख कर आ रहा है। तो डे 01 में आना है और उसको सेलेक्ट करना है टेबल एस्टिमेट और एक्चुअल। तो एस्टिमेट को सेलेक्ट करना है और एक्चुअल अमाउंट, और उनको 3 डेसिमल पॉइंट से बढ़ाना है। तो पहले एक को बढ़ाएंगे, ये डेसिमल प्लेस के लिए नंबर फॉर्मेटिंग में ये वाला लेना है इंक्रीज डेसिमल, ये एक हो गया। अब उसके बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर इंक्रीज करेंगे, आप सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डिस्प्ले शीट, ये जो डिस्प्ले की हुई शीट है इसमें हमको टैब नेम जो है, तो वर्कशीट डे 2 जो है इसमें फर्स्ट टेबल में सेलेक्ट करना है D18। तो D का कॉलम देखना है और 18 नंबर की रो। तो ये D18 ये सेलेक्ट हो गया। अब इसको डिलीट कर देना है एग्जिस्टिंग डेटा। तो ये D18 से हमने डिलीट कर दिया है। अब वहाँ पर हमको टोटल निकालना है सम। तो उसके लिए हम होम टैब में राइट साइड में यहाँ पर जो ऑटो सम है, ऑटो सम में आने के बाद सम पर क्लिक करेंगे और इंटर कर देंगे, बाहर क्लिक करके उसको सबमिट कर देंगे। इस तरह से ऑटो सम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इस जो डिस्प्लेड की हुई शीट है, तो इन द डिस्प्लेड शीट ओपन करना है हमको वर्कशीट जिसका नाम है डे 01 और सेलेक्ट करना है सारे वैल्यू डे 1 के एक्चुअल एक्सपेंसेस के कैटेगरी में जो है। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस को सेलेक्ट करना है चार्ट के बाजू में, ये नीचे दिखाएगा एक्चुअल एक्सपेंसेस, इनको सेलेक्ट करना है वैल्यूज़ को। अब हमको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है। तो होम टैब से ये जो स्टाइल्स ग्रुप है वहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना होगा, वहाँ से डेटा बार्स में आना है और फिर ग्रीन वाला लेना है, ग्रीन डेटा बार, बाहर क्लिक करके सबमिट कर देना है। नेक्स्ट है, इन द गिवन शीट सेलेक्ट द सेल E22 एंड डिलीट एग्जिस्टिंग डेटा ऑफ सेल E22। हमको E22 सेलेक्ट करना है। तो E का कॉलम और 22 नंबर की रो। अब इसको डिलीट के बटन से डिलीट कर देना है डेटा। अब वहाँ पर हमको D22 जो है उसको क्लिक करना है, कॉपी करना है क्लिपबोर्ड से। तो ऊपर से यहाँ पर जो क्लिपबोर्ड है कॉपी, उसको करना है यहाँ पेस्ट कर देना है D22 में और सबमिट कर देना है। नेक्स्ट है, ओपन वर्कशीट करना है टैब नेम जिसका डे 01 है, पाई चार्ट ओपन करना है और चार्ट को स्टाइल 10 करना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे डे 1 में और फिर वहाँ से पाई चार्ट पर क्लिक करेंगे, उसको डिज़ाइन टैब में जाएंगे और वहाँ से स्टाइल में जाएंगे, चेंज स्टाइल, और स्टाइल 10 ले लेना है, वो लेकर हम उसको सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट है, ओपन करना है वर्कशीट जिसका नाम डे 01 है और उसकी पोजिशन लेजेंड पाई चार्ट में बॉटम करना है। तो वर्कशीट ओपन करना है, डे 1 में आना है, उसके बाद यहाँ पर लेजेंड्स जो है ये चार्ट पर क्लिक कर देना है, डिज़ाइन टैब में जाना है, ऐड चार्ट एलिमेंट लेजेंड, वहाँ से उसको बॉटम लेना है, बॉटम लेकर उसको सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट है, डिस्प्लेड एक्सेल शीट में सेलेक्ट करना है सेल का टेक्स्ट जिसका प्राइस सेरेमनी लिखा हुआ एक्सपेंस, उसको हाइपरलिंक देना है इंसर्ट टैब से। तो प्राइस सेरेमनी ये लिखा हुआ है उसको इंसर्ट में आना है, हाइपरलिंक देना है और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट दूसरा लेकर डे 2 पर क्लिक कर देना है, ओके करना है। तो ये जम कर सकते हैं हम इससे। तो ये था ये सेशन का प्रैक्टिकल, ओके कर देना है इसको। तो ये 22 हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम 23 सेशन देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।